आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चेन्नई में तमिलनाडु प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर मायावती ने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार गंभीर नहीं है, वरना असली अपराधी पकड़े जाते। उन्होंने पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें आपको, तमिलनाडु प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष की हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम देके, इस वारदात को अंजाम देके बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है प्रदेश में बीएसपी के स्टैंड को लेकर। के आर्मस्ट्रांग परम्बूर इलाके में अपने नवनिर्मित घर के पास दोस्त से बातचीत कर रहे थे। हत्यारे तीन बाइकों पर सवार होकर आए और हमला कर दिया। मौत के घाट उतार दिया गया तमिलनाडु के बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष को। जिस तरीके से हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट की हत्या की गई है उनके घर के बाहर, तो उससे ऐसा लगता है कि आपके तमिलनाडु स्टेट में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और इतना ही नहीं, मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है अभी तक वो असली जो अपराधी है वो पकड़े नहीं गए हैं। तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए।